हेलो फ्रेंड, नमस्कार, कैसे हैं आप? दोस्तों, पिछले 10 से 20 वर्षों में भारत समेत पूरे विश्व में जल संकट की समस्या लगातार गहराता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में हम पानी के मामले में सबसे ज़्यादा घाटे में रहे हैं। कई जगहों पर लोग एक बाल्टी पानी के लिए मोहताज हैं, तो कहीं पानी की कमी से खेती तक नहीं हो पा रही है। वहीं पिछले 1.5 दशक में आबादी में कुल 40% तक इजाफा हुआ है, जिसके कारण कई शहरों में जल संकट बढ़ गया है। इसके लिए सरकार ने कई ट्यूबवेल की व्यवस्था की है, जिसके परिणाम स्वरूप शहरों में पानी की कमी आ गई है। वहीं भारत समेत कई देशों में कमजोर मानसून के कारण जल संकट ने विकराल रूप ले लिया है। भारत में लगभग 1/4 जनसंख्या सूखे से प्रभावित है, जिससे कई इलाकों में लोगों को सूखे स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देश के 20 से अधिक शहरों में कमजोर मानसून के कारण जल की समस्या गंभीर हो गई है। पेयजल की बर्बादी सबसे अधिक नहाने के दौरान बाथरूम में होती है, जिसके लिए कई सामाजिक लोग मुहिम चला रहे हैं। इसमें सरकार के द्वारा भी समय समय पर जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। दोस्तों, पानी की गंभीर समस्या से बचने के लिए वर्षा के जल को अधिक से अधिक संरक्षित करने की आवश्यकता है। वर्षा की एक एक बूंद को सहेजा जाना चाहिए, जिससे भविष्य में जल संकट की भयावह समस्या से निपटा जा सके। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से भीषण गर्मी एवं बढ़ते तापमान के कारण भी जलापूर्ति करने वाले प्रमुख जल स्रोतों का पानी तेजी से सूख रहा है, जिससे आने वाले समय में जल संकट का समस्या बढ़ सकता है। वहीं जल संसाधन मंत्रालय की बात माने तो आने वाले समय में कई प्रमुख जल स्रोतों का पानी सूख जाएगा, जिससे कई शहरों में पानी के सप्लाई में बाधा आ सकती है। भारत समेत कई देशों में कमजोर मानसून के कारण जल संकट ने विकराल रूप ले लिया है। देश में लगभग 1/4 जनसंख्या सूखे से प्रभावित है, जिससे कई इलाकों में लोगों को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना, नमामि गंगे पहल योजना एवं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना आदि का भी शुरुआत किया गया है। इसलिए दोस्तों, पानी को बचाने की दिशा में हमें पहले सचेत जाने की जरूरत है, अन्यथा भविष्य में हमें पानी को लेकर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।